जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अशफाक हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा, और सॉरी राजा पुलस्तर, गलत नाम मैंने दे दिया। राजा पुलस्तर इनका किरदार है जो आजकल बहुत हिट है माशाल्लाह से, ड्रामा आप लोगों ने भी टेलीविजन पर देखा होगा, जीवन नगर के नाम से, जिसके डायरेक्शन आपका आशिफ निसार साहब है, हमारे दोस्त और इनके बॉस। इस हवाले से कुछ हम बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन दरमियान में एक बहुत ही मुझे का एक वीडियो आया था जिसमें इन्होंने बड़ी, मैं तो इसे दर्दनाक ही बात कहूँगा, अचानक ऐलान किया कि वो शो को छोड़ने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से ही बात करूँगा जी साहब, कैसे मिला? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या आपने मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ तो बहुत पुराना लफ्ज़ हो गया है, ये क्या बम आपने वो जो है फोड़ा है? नहीं इशफाक भाई, क्योंकि आपसे तो मेरी बड़ी देरीना दोस्ती और ताल्लुक है, जैदी भाई से है। मुसीबत कुछ ऐसी रही कि शायद आपसे क्योंकि मुलाकात थी, मैंने 2 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं आज के ड्रामा लिखना एक्टिंग करना छोड़ दिया, और छोड़ दिया उसको, तो आप तक देर से पहुंचे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप तो माशाल्लाह तमाम शोबों में जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कमाली से भी पीछे जाए और उससे भी पीछे जाए हुए थे वो काम है जो नाजरीन ने आपने देखा, यानी मैं आपके काफ़ी साल पीछे की बात कर रहा हूँ, शुरू से ही आप एज ए राइटर एज ए एक्टर कुछ नए करते हैं। बात यह है कि मेरा एक्टिंग का शौक़ तो मैंने पीछे डाल दिया था जब मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया, क्योंकि गरीब आदमी से गुरबत में लड़ना सी, बच्चे पालने सन, और ड्रामा राइटिंग ने मुझे बड़ी इज्जत दी, पैसा दिया, खुशहाली आ गई, आसूदगी आ गई। नागिन जब मैंने लिखा 17-18 के बाद मुझे कोई काम नहीं मिला, तो 5 साल कह सकते हैं नागिन ने आपको डस दिया। हाँ, ये कब कहना ही अच्छा है, आपको डसा हेडलाइन बना दो, 3 चीज़ें बीच में आती है उसके। हाँ, तो वो उसके बाद मुझे काम नहीं मिला कोई। अब एक तो प्लाट देखो देखिए, उसके बाद जमा पूंजी खत्म हो गई, 25-26 लाख का कर्ज ही हो गया, तो अल्लाह ताला ने एवेन्यू खोल दिया ये यूट्यूब वाला, वहाँ से इनकम जब पहली दफ़ा आई तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये ठीक है, तो मैंने भी वीडियो बना ली। किसी की मोहताजी नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, चेक कब आएगा? इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 21 तारीख को मेल आती है और उसके नीचे जो लिखा होता है अंग्रेजी में उसका तर्जुमा है बंदा है कि भाई जी इज्जत माफ इफ्तिखार इफ्ती साहब असि ताडे पैसे भेजते हैं ना, जाके जे 4 दिनों के बीच ताडे अकाउंट पैसे आके ना डिगन फिर थले जिहड़ा असी नंबर दिता इससे राबता करो, इन्हां दी हैसियत कैसे? तो बाइज्जत रोटी है, बाइज्जत काम है, और कोई मेकअप नहीं करना पड़ता, कॉन्शियस लगानी नहीं पड़ती, जो मर्जी डालें आप। अच्छा, मतलब कुछ और वजूहात भी लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ होगी से आप सच्चाई नहीं है, नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ साहब, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं गैर मयारी अदाकार और एक सब स्टैंडर्ड राइटर हूँ, मैं उस मयार का ना लिख सकता। से कह रहे हैं या लोगों को? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं एक घटिया राइटर, घटिया एक्टर हूँ, इसीलिए मुझे नागन के बाद लिखने को और कमाली के बाद कुछ एक्टिंग करने नहीं को। तो वो जो आपने सैकड़ों एपिसोड वाले ड्रामे लिखे और वो चले भी और बड़े मेजर चैनल पे चले और उनकी अच्छी खासी रेटिंग भी है और उसमें नंबर आर्टिस्ट भी, नंबर डायरेक्टर भी, तो वो कैसे फिर चल रहे? नहीं, वो आप इतने ही वो आप तो अपने आप को वो मेरा ख्याल है गलती से चल रही है। नहीं, वो किस्मत मेहरबान हो गई होगी, मेरे गुणने का डायरेक्टर का था, एक्टर का था। यानी अब ये आपका एक पक्का ऐलान है पाकिस्तान शोबे इंडस्ट्री के लिए कि आप बाय बाय कह रहे हैं? मैं ना ड्रामा लिखूंगा, ना एक्टिंग करूंगा, फिल्म और कमर्शियल में शायद आप मुझे देखें, वो भी सूरत में अगर किसी ने सदिया, अगर किसी ने सदिया, लेकिन सदे का कोई नहीं अभी पता यार। दरअसल मैं बड़ा एक गैर मयारी बंदा हूँ। ये सारे स्टैंडर्ड आपने खुद ही मेंटेन किए? हाँ, देखें मैं उस शोबिस को कैसे बुरा कह दूँ जहाँ से मैंने बच्चे पाले हैं, उन लोगों को कैसे बुरा कहूँ यार, वो सारे बड़े अच्छे हैं। मुझे अगर साइड पे कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा आदमी। अब आपने असल बात की कि साइड पे कर दिया। हाँ, तो काम नहीं मिला ना। देखिए मेरे घर का बिजली का बिल आता है सर, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेरी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, मेरे घर में खाने को चाहिए, तो ये खर्चे तो नहीं रुकते, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना। लेकिन इशफाक भाई एक बात मैं आपको बता दूँ जो बड़ी अहम है, आप मुझे उस वक्त से जानते हैं जब मैं मोटरसाइकिल पे आते थे और हम आपको और असरबाज़ जैदी को और नूर हसन राना को
और राणा रणजीत ताहिर को रिक्वेस्ट करके मुजाहिद शेख को कहते थे यार खबर ला दियो, तो एम ही तुझे थे अचानक ड्रामे में कास्ट, तुम कौन हो मैं कास्ट, हालांकि होता नहीं था कुछ, तो आप लोगों से बदल लेते थे और लगता था कि अगर आप खबर छापेंगे तो मुझे काम मिल जाएगा। तो आप मेरे बहुत पुराने साथी हैं, एक बात आप ज़रूर जानते हैं, मैं उस वक्त भी जिंदा था जीता था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पिलाया और खुश था मैं। आज भी जब मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत इतनी तौकीर और इतनी आसूदगी अता कर दी है, मैं आज भी खुश रहता हूँ। तो मैंने बाबा जी इशफाक साहब से ये सीखा, असल चीज़ है ज़िंदा रहना और आसूदगी के साथ ज़िंदा रहना। तो मैं इस उम्र में 55 साल की उम्र में दिल पे हाथ रख के और स्यापा करके कि 28 साल में शोबिज़ चल रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुड़ के ब्लड प्रेशर हाई करा के हार्ट का मरीज़ नहीं होना चाहता। अच्छा इशफाक साहब का आपने नाम लिया, अभी रिसेंटली आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे भी हैं डॉक्टर तालोहानी साहब, आपने उनकी पोस्ट पढ़ी होगी कि फी और चार नाम उन्होंने लिखे थे, जो तीन नाम मुझे याद नहीं है, कि बिला वजह ही इशफाक साहब के नाम को कैच कर, हालांकि इनका इतना वो लिंक उनसे नहीं रहा, ये रिटर्न उनकी तहरीर जो उनकी पोस्ट उनकी वॉल पर मौजूद है। अताउल्लाह अली साहब ने कहा जी जी डॉक्टर अताउल्लाह अली साहब मशहूर व मारूफ, ठीक है कहते नहीं अल मशहूर, मैं चैलेंज नहीं करता जी किसी को, अल्लाह के बंदे को मेरी औकात नहीं है चैलेंज करने की और मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं करता। हाँ ये ज़रूर है कि कोई और शख्स आगे आया और वो कैश करके लगा दे, कैश कैसे होता है मतलब मुझे नहीं समझ आता किस तरह से कैश, मतलब उनका कहता है कि बिला वजह उनका नाम यूज़ करते हैं जी, मिजान आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम गुजारा, वो बार बार पोस्ट वगैरह करते हैं वीडियो, इस हवाले से उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। पहली तो बात यह कि आप बहुत सारे साथी गवाए हैं, कम अज़ कम पी टी वी की हद तक कि जब वो ज़्यादा रिकॉर्ड होता तो मैं ही साथ होता था, आदम खुर्शीद अगर नहीं है तो वो तो असिस्टेंट तो मौजूद है जानते हैं। एक लंबी बहस है अली साहब, वो बड़े आदमी है, काबिल एहतराम है और वो जो कह रहे हैं वो सर। अच्छा ये बताइए काशिम साहब के साथ जब भी आपने काम किया कोई अच्छा ही अच्छी ही चीज़ निकलती है, तो अब आए हैं आप राजा प्लस्तर और जीवन नगर के हवाले से थोड़ा सा। दरअसल जिन दिनों रिकॉर्डिंग हो रही थी उसकी फरीजात उन्हीं दिनों रिकॉर्डिंग हो रही थी राजा प्लस्तर, तो कई दफ़ा इस्लामाबाद से भाग के लाहौर आना होता था, एक दफ़ा तो यहाँ तक हुआ कि हम फरीजात के कराची में सीट कर रहे हैं ऑफिस के, फिर 4:45 बजे मुझे वहाँ से गाड़ी से भागना पड़ा और मैं सुबह 10 बजे उनकी रिकॉर्डिंग पर पहुँचा है लाहौर में। उसकी वजह यह है कि रात में टिकट मौजूद थी, तो बड़ा बड़ा अच्छा और बड़ा मजा आया। यानी कोई जो सबसे यादगार काम है आपका इसके अलावा, ये तो अभी रिसेंटली आए कोई आपको याद हो मालूम है, वो कौन सा है जो नाज़रीन आपको मालूम सभी देखते आ रहे हैं? कमानी तो सुपर हिट हो गया, फिर राजा ब्लस्टर सुपर हिट हो गया, फिर उससे पहले तो आपके किरदार बहुत मशहूर, ये सारे करेक्टर मेरे लिए इसलिए यादगार हैं कि इन सब से मेरी आसें उम्मीदें और ख्वाहिशें जुड़ी हुई थी, क्योंकि इससे मिलने वाले पैसों से मेरे बच्चों की फीस जाती थी, मेरा घर का खर्चा चलता था और पेट्रोल डलता था, तो इसलिए सारे ही यादगार किरदार हैं जो भी मैंने किए। लेकिन मेरा ख्याल है आगा अब्बास का जो ज़िंदगी हाथ बढ़ा था जो दिलावर का रोल था वो बड़ा ज़बरदस्त था। आगा अब्बास साहब तो वैसे भी आपके बहुत बहुत अच्छे रहे मेरे बड़े हैं जी, बहुत अच्छे यारों को यार। अच्छा तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पता नहीं इसी कितों पैसे लेता जरा दुनिया नहीं सैर करते थे, देखते होंगे। हाँ नहीं मैं बताता जी हुआ ये कि मुझे पिछले साल मैंने मेरे दोस्त हैं मकसूद सफर साहब, उन्होंने मुझे पैरिस से भेजा इन्विटेशन, मैंने 13 दिन का वीज़ा अप्लाई किया, मुझे 2 साल का वीज़ा मिल गया। तो मैं उम्रे पर गया तो मैंने आका करीम के रोज़े पर यह दुआ की कि यार रसूलुल्लाह आप मेरी सिफारिश फरमाए अल्लाह ताला से कि मैं वो पाकिस्तानी बनूँ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करें, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट इंडिया नहीं करता, तो इससे पहले जो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो पाकिस्तानी नहीं क्योंकि नेशनलिटी और है, तो उसके बाद बस एक सिलसिला है, टिकट मैं लेता हूँ और आगे फिर मेरा इतना बड़ा फैन क्लब है, खुद ही ले जाते हैं, खुद ही घुमाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं ओवरसीज, तो वो देखने में अगर वाकई अगर मैं दौरे खुद से करूँ तो पता लगे कि 2-2 करोड़ रुपया लग रहा है, लेकिन मेरा सिर्फ एक टिकट लग रहा है। तो जनाब यह थी इफ्तिखार साहब की बातें उस्मानी साहब, और हमें इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द हम एक इनका और इंटरव्यू करेंगे, चंद और बातें होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।